गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, टेक आउट योर रिविजन बुक. यस, टेक आउट योर रिविजन नोटबुक. एंड सब्जेक्ट इज मैथ्स. ओके स्टूडेंट्स, योर सब्जेक्ट इज मैथ्स. एंड इन लास्ट लेक्चर वी हैड कंप्लीटेड क्वेश्चन ए, दैट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन. And then we had completed, that is question number B, filling the blanks, 5 marks. And do as directed, question number C, 5 marks. And question number D, matching. Okay students, we had completed till question number D. Okay, understood or not? Okay, now see question number E and take out your revision notebook. Okay students, now question number E is SOLVE, solve THE the PROBLEMS problems. Okay, your question number D is solve the problems. Okay, now students, what is written over here? Solve the problems are total 10 marks, each carry 2 marks. ठीक है, हर एक problems कितने marks का होगा? 2 marks का. ठीक है students, अब read this. First question, there are 6 eggs, out of which eggs broke, how many eggs are left? Okay, total kitne eggs hai? There are 6 eggs. Okay, to students, total number of eggs kitne hai? 6. Dekho, 1 2 3 4 5 6, 6 eggs hai. Usme se 2 eggs jo hain wo kya ho gaye hain, टूट चुके हैं. तो अब कितने बचे? तो पहले तो इधर लिखेंगे नंबर ऑफ एग्स आर 6. ओके, नंबर ऑफ एग्स आर 6 एंड आउट ऑफ देम 2 वर ब्रोक. ब्रोक मतलब टूट जाना. तो 2 क्या हो चुके हैं? टूट चुके हैं. सो 6 में से 2 गया तो कितना बचा स्टूडेंट्स? 1 2. अब कितना बचा? 1 2 3 4. कितना बचा है? 4. So your answer is 4 eggs were left. Okay, your answer is 4 eggs were left. Okay, now question number 2. Rita has 8 mangoes. She ate 3 mangoes. How many mangoes are left? जो Rita है उसके पास number of mangoes कितने हैं? 8. और उसमें से 3 mangoes जो हैं उसने क्या कर लिए हैं? खा लिए हैं. तो 3 mangoes खा लिए हैं तो 3 mangoes क्या हो जाएंगे? कट. ओके, 1 2 3 mangoes कट हो गए. तो अब कितने बचे हैं? 1 2 3 4 5. कितने बचे स्टूडेंट्स? 5. तो पहले नंबर ऑफ मैंगोज कितने हैं? 8. नंबर ऑफ मैंगोज है 8 और 3 क्या हो चुके हैं? वो लोग ने खा चुके हैं. अब कितने बचे हैं? 5. ओके, understood children? Okay, now see question number 3. See, there are 4 stars on the table and there are 3 stars in the table. See, how many stars? 1 2 3 4 4 stars. And how many stars in the table? 1 2 3 3. Okay, so there are dash stars in all. Total कितने stars होंगे? तो 4 plus 3 कितना होगा students? 1 2 3 4 5 6 7. So your answer is there are 7 stars in all. Okay, now see, read the question number 4. Pia ate 7 toffees. Sia ate 2 toffees. Together they ate dash toffees. पिया ने कितने टॉफीज खाए? 7. 1 2 3 4 5 6 7. ओके, और सिया ने कितने खाए? 2. ठीक है, तो टोटल उन लोगों ने कितने टॉफीज खाए वो तो फाइंड करना पड़ेगा ना. तो पहले तो इधर लिखो 7 टॉफीज एंड सिया ने खाए 2 टॉफीज. 7 plus 2 कितने होंगे? 7 टॉफीज ऑलरेडी ऊपर है, अब 2 और ऐड करो, 8 9. तो कितने टॉफीज उन लोगों ने खाए? टोटल 9 टॉफीज. ओके, सी, 4 चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन अ पार्क.
फोर मोर जॉइन देम टुगेदर, देयर आर डैश चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क। ठीक है, चार चिल्ड्रन ऑलरेडी पार्क में खेल रहे थे और उसमें चार जन ने और ज्वाइन किया। ठीक है, तो टोटल कितने चिल्ड्रन प्ले कर रहे हैं? पहले फोर खेल ही रही थे और फोर और जन है। ठीक है, फोर और जन है तो टोटल कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सब मिला के कितने जन खेल रहे हैं पार्क में? 8 लोग। कितने बच्चे खेल रहे हैं? 8 बच्चे। ठीक है, मतलब 8 बेबीज और 8 चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन दी पार्क। ओके, नाउ योर क्वेश्चन नंबर एफ इज सी। योर क्वेश्चन नंबर एफ, राइट द मिसिंग नंबर्स विच कैरी 2 मार्क्स। ओके, हमें मिसिंग नंबर लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, सो ये क्या है? 1, 1 के बाद क्या आता है? 2, 2 के बाद क्या आता है? 3, 3 के बाद क्या आता है? 4, देन 5, 5 के बाद क्या आता है? 6, 6 के बाद 7, ये क्या है? 8, 8 के बाद क्या आता है स्टूडेंट्स? 9, 9 के बाद 10, ये क्या है? 11, देन 12, 12 के बाद क्या आता है? 13, ये क्या है स्टूडेंट्स? 14, 14 के बाद क्या आता है? 15, 15, ये क्या है? 16, 16, 16 के बाद क्या आता है? 17, 17, अब ये क्या है स्टूडेंट्स? 18, 18, 18 के बाद क्या आता है? 19, 19, देन 20, 20। ओके, अंडरस्टूड? नाउ सीट प्रॉपरली। नाउ स्टूडेंट्स योर क्वेश्चन नंबर जी, सर्कल द स्मॉलेस्ट एंड टेक द बिगेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट पे हमें करना है सर्कल और जो बिगेस्ट है उस पे करना है टिक। ओके, तो 14, 12, 17, इसमें से बिगेस्ट वाला कौन सा है? यस 17, तो 17 पे क्या करेंगे? टिक। और इन दोनों में से छोटा कौन सा है? 12, तो 12 पे करेंगे सर्कल। ओके, नाउ सी दिस वन, 1, 10, 20, कौन सा बड़ा है? 20, सो 20 पे क्या करेंगे? टिक। क्या करेंगे? टिक। और 1 पे करेंगे सर्कल। ओके, अब ये वाला देखो, इन तीनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 19, तो 19 पे करेंगे टिक। और इन दोनों में से छोटा कौन सा है? 17, सो 17 पे करेंगे सर्कल। 16, 15, 14, इन तीनों में से छोटा कौन सा है? सबसे छोटा ये, तो इस पे करेंगे सर्कल। और इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? ये, तो इस पे करेंगे टिक। ओके, ये भी 2 मार्क्स का है स्टूडेंट्स। ठीक है, नाउ योर क्वेश्चन एच सी, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ये कितने मार्क्स का है स्टूडेंट्स? 2 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है। ठीक है, अब 5, 8, 7, 2 दिया है। पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़ा, स्मॉलर टू बिगेस्ट नंबर। ओके, सो इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2, वेरी गुड। देन 2 से बड़ा कौन सा है? 5, ओके, देन 7, फिर उससे बड़ा कौन सा है? 8, ओके। अब सेम नंबर को अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो कैसे? बैकवर्ड साइड, 8, 7, 5, देन 2, ओके, इधर से पीछे की साइड जाना है। ठीक है, अब ये वाला देखो, 10, 12, 11, 13, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे? सबसे छोटा कौन सा है? 10, देन 11, देन 12, देन 13, ओके। और अगर स्टूडेंट्स 2 डिजिट और 1 डिजिट हो तो सबसे छोटा कौन सा डिजिट होगा? 1 डिजिट। ओके, अब इसको बैकवर्ड साइड लिख देते हैं, 13, 12, 11, 10, बैकवर्ड साइड काउंट करके लिखना है। ठीक है, ओवर हियर क्वेश्चन नंबर एच। नाउ योर क्वेश्चन नंबर आई इज, फाइंड द सम्स विच कंटेन 2 ऑफ 4 मार्क्स।
ओके, फोर मार्क्स का है ये, फाइंड द सम्स। नाउ फोर प्लस फाइव, फोर प्लस फाइव कितना होता है वो नहीं पता है ना, तो पहले फोर बॉल्स बनाएंगे, वन टू थ्री फोर, और नीचे कितने बॉल्स बनाएंगे, फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव। अब इन सबको साथ में काउंट करें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, कितने हैं टोटल, नाइन। ओके, नाउ दिस सेकेंड वन, ऊपर वन नीचे कितने हैं, नाइन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। ओके, तो ये तो स्टूडेंट्स नीचे कितने हैं, नाइन, नाइन प्लस वन टेन, सो योर आंसर इज टेन। ओके, नाउ सी थर्ड वन, सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब सब काउंट करें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, सो योर आंसर इज ट्वेल्व। ओके, नाउ फोर्थ वन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और नीचे कितने हैं, वन। अब सबको साथ में काउंट करें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सो आपका आंसर क्या है, सेवन। ओके, नाउ फिफ्थ वन, ऊपर कितने नंबर्स हैं, एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, नीचे कितने हैं स्टूडेंट्स, थ्री, क्या करना है इसमें, सब्ट्रैक्ट, तो एट में से थ्री को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि थ्री काउंट को, थ्री काउंट करके आपको कट करना है, थ्री बॉल्स को कट करना है। अब कितने बचे, वन टू थ्री फोर फाइव, सो योर आंसर इज फाइव। ओके, अब ये कितना है स्टूडेंट्स, ऊपर टेन है, तो आपको टेन बॉल्स बनाने हैं, उसमें से फोर कट करने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन बॉल्स बनाए उसमें से कितने कट करने हैं, फोर, वन टू थ्री फोर। अब कितने बचे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सो योर आंसर इज सिक्स। ओके, अंडरस्टूड और नॉट, सी एट में से जीरो जाएगा तो कितना बचेगा, एट। ओके, इफ यू सब्ट्रैक्ट एनी थिंग फ्रॉम जीरो, योर आंसर विल बी दैट द नंबर इट्सेल्फ। ओके, नाउ टेन में से फाइव गया तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, फाइव, कैसे बताऊं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। अब इसमें से फाइव कट करो, वन टू थ्री फोर फाइव, अब काउंट करो, वन टू थ्री फोर फाइव, सो योर आंसर इज फाइव, एंड टिल हियर योर रिविजन इज कम्प्लीट। ओके, आपका रिविजन स्टूडेंट्स क्या होता है, यहाँ पे कम्प्लीट, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपका होमवर्क देखो, होमवर्क रिविजन डू इन योर रिविजन नोटबुक, ओके, एंड कीप प्रैक्टिस इट। ओके, दिस इज योर होमवर्क। ओके स्टूडेंट्स, सो आप रिविजन एकदम प्रॉपरली लिख लेना अपनी नोटबुक में और प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।